आगे हम देखते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर हमें पैरामेट्रिक फंक्शन मिल जाते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। जैसे मान लीजिए आपको बोला है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए व्हेन एक्स इज 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, है ना, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280, फाइंड ई टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड। आपको बोला है सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो पैरामेट्रिक फंक्शंस में हमने देखा है कि अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स, पहले तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं इस एक्स को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग, अगर मैं इसको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू मानता हूं, इक्वेशन वन एंड टू विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन को मैंने विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स मतलब डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू, ए इज अ कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, यानी कि 2at मुझे क्या मिल गया, dx by dt मिल गया, राइट। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं dx by dt equals to 2at, राइट। आगे देखिए अब मैं सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं, मुझे y इज इक्वल टू 280 दिया हुआ है, अब यहां पे भी मुझे d बाई डी टी लगाना है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और यहां पे भी d बाई डी टी लगाना है। ये तो हो गया dy वाई बाय डी टी, टू ए इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको 2a लिख लूंगा, मुझे लिखना है dt टी बाई डी टी जो कि 1 होगा, तो बेसिकली मुझे ये क्या मिल गया 2a, है ना, dt टी बाई डी टी इज 1, तो 1 इंटू 2a इज 2a, तो ये हमारा dy by dt मिल गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप होगा, मुझे dy by dx चाहिए, तो dy by dt मुझे 2a मिला। अब आगे देखिए नाउ dy by dx, हमें मालूम है dy by डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, ये हमने पैरामेट्रिक फंक्शंस में अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब मैं वैल्यूज डाल दूंगा, डी वाई बाई डी टी हमने कितना निकाला था 2a निकाला था, डी एक्स बाई डी टी हमने कितना निकाला था 2at निकाला था, 2a एंड 2a गेट्स कैंसल्ड, ऊपर 1 बच गया नीचे t बच गया, तो मुझे बेसिकली dy by dx 1 upon t मिल गया। अब मुझे क्या करना है, d2y by dx squared निकालना है, तो उसके लिए भी देखिए अब हम लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो हम एक नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने डी एक्स बाई डी टी निकाला, डी वाई बाई डी टी निकाला, फिर दोनों को डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स निकाला। अब मुझे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, डेफिनेशन ये कहती है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम इस डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे, इसका मतलब d by dx ऑफ dy by dx, dy by dx क्या है 1 अपॉन t है। अब देखिए यहां पे मैं
इम्प्लिसिट फंक्शन के हिसाब से अगर चलूं, देखिए यहाँ पे ऑपरेटर एक्स है जबकि वेरिएबल टी है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में हमने पढ़ा था कि जब भी वेरिएबल जिसको डिफरेंशिएट करना है और जिसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट करना है, अगर दोनों अलग अलग है तो हम इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन एक फैक्टर लगाएंगे, क्या, जिसको डिफरेंशिएट किया और जिसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट किया उस, जैसे हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में पढ़ा था कि वाई स्क्वायर है, अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स निकालता हूं तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y लिख लिया लेकिन मैंने y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy वाई बाई डी एक्स। इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने देखा था ये dy वाई बाई डी एक्स हम हमेशा मल्टीप्लाई करते थे। तो अब यहां पे देखिए 1 अपॉन t हमने फॉर्मुलेज में पढ़ा हुआ है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर्ड। तो 1 अपॉन टी का फॉर्मूला होना चाहिए माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर्ड, लेकिन यहां पे मैंने डिफरेंशिएट किया टी को तो मैं लिखूंगा डी टी, और विथ रेस्पेक्ट टू किया है एक्स तो मैं लिख लूंगा डी एक्स। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर्ड क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए यहां पर डी एक्स बाई डी टी मुझे कितना मिला, 2at मिला। अब देखिए इसको हम उल्टा करेंगे, डी एक्स बाई डी टी है, उल्टा करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना, ऊपर एक्स है नीचे टी है, उल्टा किया तो टी ऊपर एक्स नीचे। ये 2at अपॉन 1 अगर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां उल्टा किया तो यहां भी उल्टा करना पड़ेगा, ये 1 अपॉन 2at आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि dt by dx जो है कितना है, 1 अपॉन 2at। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt by dx हमने कितना निकाला, 1 अपॉन 2at। अब मैं इसको सिर्फ सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, माइनस 1 इंटू 1 नीचे 2at स्क्वायर और ये t, ये मिलके हो जाएगा t क्यूब। तो ये हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। तो देखा हमने, आगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल्स टू a साइन t y इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t बाय 2 फाइन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी हमने जो टेक्निक समझी उस टेक्निक में क्या था, सबसे पहले फाइन डी वाई बाई डी एक्स बाय कैलकुलेटिंग डी वाई बाई डी एक्स एंड डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी, dy by dx है ना निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फाइंड d2y by dx squared, है ना, यूजिंग रिलेशन d2y by dx squared is equal to d by dx of dy by dx, ठीक है। देन सॉल्व, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद सॉल्व एंड पुट वैल्यू ऑफ डी टी बाय डी एक्स टू फाइंड द फाइनल आंसर।
ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें चार स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो dy बाई dx निकालते हैं, जिसमें हमें पैरामेट्रिक फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम dy बाई dt, dx बाई dt निकालते हैं और उससे हम dy बाई dx निकाल लेते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा है कि हम d2y टू वाई बाई dx स्क्वायर निकालेंगे बाई यूजिंग तीन स्टेप हो गए ना, फाइंड d2y टू वाई बाई dx स्क्वायर यूजिंग दिस रिलेशन d2y टू वाई बाई dx स्क्वायर इज d बाई dx ऑफ dy बाई dx। इतना करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हमें क्या करना है, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे हमें एक फैक्टर मिलेगा dt by dx, तो मुझे उस dt by dx की वैल्यू उसमें पुट करनी है ताकि मुझे फाइनल आंसर मिल जाए। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया था, इसमें भी हम देख लेते हैं, यही कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, बस ये स्टेप्स के सीक्वेंस मुझे ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले मैं dx by dt एंड dy by dt निकालूंगा। तो बेसिकली एक सिंपल पैरामेट्रिक फंक्शन का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए डी एक्स बाय डी टी मुझे कितना मिलेगा, डी बाय डी टी ऑफ ए साइन टी, जो कि इसको अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। दिस ए इज अ कांस्टेंट, ए एज इट इज, साइन का फॉर्मूला हो गया कॉस, तो कॉस ऑफ टी, सो डी एक्स बाय डी टी इज ए कॉस ऑफ। पहला स्टेप हमने किया, अभी उसी पहले स्टेप का सेकेंड पार्ट dy बाई डी टी निकालना है। dy बाई डी टी हम निकालते हैं, तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, d बाय डी टी ऑफ ये जो भी मुझे y मिला हुआ है, एंड दैट इज a cos t log tan t by 2। अब देखिए इसको मुझे सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पीछे डिफरेंशिएशन में भी किया होगा। a इज अ कांस्टेंट, मैं बाहर ले लूंगा, मुझे मिला d by dt of cos t and log tan t by 2। अब देखिए cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, अब जब मैं इस log tan t by 2 को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, देखिए मैं यहां पे करके दिखाता हूं। फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये, सबसे पहले इस log को सॉल्व करते हैं, log को जब सॉल्व करेंगे ये 1 अपॉन tan t by 2 मिलेगा, राइट इसके बाद हम इस टैन को सॉल्व करेंगे। अब डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो हम यहां पे लिख लेंगे सेक स्क्वायर्ड एक्स की जगह इस पूरे टी बाई टू को लिखेंगे। लॉग को सॉल्व कर लिया, टैन को सॉल्व कर लिया, अब देखिए टी बाई टू इटसेल्फ इज अ फंक्शन, टी बाई टू को जब हम सॉल्व करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टी बाई टू है ना, या फिर डी बाई डी टी ऑफ टी बाय टू, देखिए टी का डेरिवेटिव वन होता है, नीचे टू बच गया तो वन बाय टू मुझे मिलेगा, है ना, ये बात तो हमने समझी हुई है, राइट तो हम आगे मल्टीप्लाई में लिख देंगे वन अपॉन टू, ये चीज हमें मिल जाएगी। तो पहले तो मैं इतना पोर्शन यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे मुझे लिखना है प्लस वन अपॉन टेन टी बाय टू सेक स्क्वायर्ड टी बाय टू एंड वन बाय टू, ये मिल गया। अब देखिए इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी, अब देखिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो टैन क्या होता है, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये वन अपॉन साइन टी बाय टू अपॉन कॉस टी बाय टू, ये हो गया, जिसको कि मुझे मालूम है वन अपॉन ए अपॉन बी को लिख सकते हैं बी अपॉन ए,
तो 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस को हम उल्टा यानी कि कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो ये जो 1 अपॉन टैन टी बाई टू है इसको हमने कॉस टी बाई टू साइन टी बाई टू ये लिख लिया। दिस पोर्शन इज डन। आगे मल्टीप्लाई का साइन सेक। अब देखिए सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो हम इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू लिख लेंगे। ये मल्टीप्लाई हाफ है, इसको हाफ रहने देंगे। एक कॉस और एक कॉस कैंसिल, ठीक है। अब देखिए ये कॉस और कॉस कैंसिल, फाइनली मुझे ऊपर 1 अपॉन साइन टी बाई टू 1 अपॉन कॉस टी बाई टू और ये 1 अपॉन टू। ऊपर अगर हम सिंगल 1 लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, ये हो गया 1 अपॉन दिस थिंग। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं इस 2 को अगर सामने लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 2 थीटा। अब यहां पे थीटा क्या है t बाय 2, तो 2 इंटू टी बाय 2, ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये अंदर ही है, तो ये मुझे 1 अपॉन साइन t मिल गया, ठीक है। तो ये माइनस साइन t एंड 1 अपॉन साइन t, ठीक है, ये मिला। ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली है dy वाई बाई डी टी की। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर, देखिए 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली क्या बन गया कॉस स्क्वायर टी ये हमें मिल गया, ठीक है। तो ये हमें कितने हमने किसकी वैल्यू निकाली dy बाय dt की, उसको भी मैं यहां लिख लेता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा dy बाय dx निकालना है, ठीक है। dy by dx is dy by dt upon dx by dt. तो dy by dt मैंने कितना निकाला a cos square t upon sin t. dx by dt कितना है a cos t, ठीक है। आप देखिए इस न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में एक नंबर है, इसको अगर मैं अपॉन 1 लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे मालूम है a अपॉन बी सी अपॉन डी, इसको हम a अपॉन बी और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये नीचे जो a cos t अपॉन 1 है इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए a से a कैंसिल, cos से
cos कैंसिल, मुझे मिल गया cos t अपॉन sin t, है ना, cos t अपॉन sin t, यानी कि cot, है ना, cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, तो मुझे dy by dx क्या मिल गया, cot, ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं, cot t, ये हमें dy by dx मिल गया। अब आगे देखिए, मुझे निकालना क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव, तो मैं लिखूंगा नाउ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेर्ड, डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, हमने क्या निकाला था, अब कॉट फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर टी लग जाएगा, लेकिन यहां पे मैंने टी को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक फैक्टर लगेगा डी टी बाय डी एक्स। अब देखिए dx by dt हमने क्या निकाला, a cos t, मुझे उसका उल्टा चाहिए, ये dx by dt है लेकिन मुझे चाहिए क्या, dt by dx, तो मैं इसको बेसिकली उल्टा करके dx by dt a cos t है तो dt by dx क्या होना चाहिए, 1 upon a cos t होना चाहिए, है ना, उल्टा कर देंगे हम तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन a cos t, ठीक है, 1 अपॉन a cos t, इतना समझ में आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में अब इसको लिख लेते हैं, यानी साइन और कॉस के फॉर्म में, माइनस कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, है ना, कोसेक वन अपॉन साइन होता है, वन अपॉन ए कॉस टी, माइनस वन इंटू वन हो जाएगा माइनस वन, नीचे ए को पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर टी लिख लेते हैं, कॉस टी लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। आप अगर यहां पे भी छोड़ देते तो इसको भी हम आंसर बोल सकते हैं, अब ये डिपेंड करता है आपको टीचर ने क्या बोला है, ये लाने के लिए बोला है या ये प्रूव करने के लिए बोला है, तो उस हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद फिर कई बार इसमें क्वेश्चन जो है वो ऐसे देते हैं कि एक्स इज दिस, वाई इज दिस, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेर्ड, इसी पैरामेट्रिक फॉर्म में ही कभी कभी ये भी बोलते हैं, जैसे यहीं पर बोल दिया कि फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेर्ड एट पाई बाय फोर, है ना, एट टी इज इक्वल टू पाई बाय फोर, हमें करना कुछ नहीं है, ये जो सेकेंड डेरिवेटिव मैंने यहां निकाला है, यहां पे मुझे ये टी की वैल्यू पाई बाय फोर बस डाल देनी है ना, और वो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। जैसे अब अगर मैं यहां पे टी की वैल्यू पाई बाय फोर डालता हूं, वो नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन इसी क्वेश्चन का एक नया वेरिएशन, है ना, इसी क्वेश्चन में कि हमें यहां तक नहीं सॉल्व करके फिर फाइनली टी की जगह पाई बाय फोर पुट करना पड़ेगा और जो भी आंसर आएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा, वाई इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा, इफ एक्स इज दिस वाई इज दिस, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेर्ड, ठीक है, फाइंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेर्ड, है ना, एट
थीटा इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। फाइंड ई टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय सिक्स। तो ये जो है जो हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया पैरामेट्रिक के उसी का एक ये एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको जैसे अभी तक हमने पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना सीखा उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, डी एक्स बाय डी थीटा आ जाएगा, ठीक है, डी बाय डी थीटा ऑफ ए कॉस क्यूब थीटा विच इज ए डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, मैं इसको कॉस क्यूब थीटा के बजाय कॉस थीटा होल क्यूब लिख लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होता है थ्री एक्स स्क्वायर, तो उस रूल के हिसाब से यहां पे मुझे थ्री एक्स की जगह ये सारा और स्क्वायर मिलना चाहिए, ठीक है। इस थ्री को हमने सॉल्व कर लिया फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल से, अब बच गया कॉस थीटा, तो हम यहां पे लिखेंगे इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, जो कि मुझे मिल जाएगा थ्री को पहले लिख लेते हैं ए को बाद में लिख लेते हैं, कॉस थीटा होल स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक, जिसको कि मैं रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले माइनस साइन लिख लेते हैं, थ्री ए लिख लेते हैं, साइन थीटा लिख लेते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा, ये मुझे मिल गया डी एक्स बाय डी थीटा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये मिल गया हमें अब डी वाई बाय डी थीटा, निकालते हैं वही रूल हम अप्लाई करेंगे, ए को हमने बाहर ले लिया, साइन क्यूब को जब सॉल्व करेंगे पहले क्यूब को सॉल्व करेंगे तो थ्री है ना साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में हम डी बाय डी थीटा और साइन थीटा लिखेंगे जो कि हो जाएगा कॉस थीटा, ये सारा कुछ हमने फंक्शन ऑफ फंक्शन में किया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहले इस क्यूब को सॉल्व किया थ्री एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, फिर इस साइन को सॉल्व किया, ये रिजल्ट मैंने निकाल लिया, तो मुझे डी वाई बाई डी थीटा कितना मिल गया, थ्री ए, देखिए थ्री ए मिला, साइन स्क्वायर थीटा मिला और कॉस थीटा मिला, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए अब मुझे निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे क्या मिलना चाहिए, ये फॉर्मूला है डी बाय डी वाई बाय डी थीटा हमने निकाला था थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा हमने क्या निकाला था माइनस थ्री ए साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लिख लेंगे माइनस थ्री ए साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे देखना ये सिंप्लीफाई हो रहा है, यस थ्री ए कैंसिल हो गए, ऊपर से एक साइन नीचे से एक साइन कैंसिल हो रहा है, ऊपर से एक कॉस नीचे से एक कॉस कैंसिल हो रहा है, तो एक साइन बच गया मेरे पास साइन थीटा और नीचे एक कॉस बच गया कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा,
तो हम इसको लिख लेंगे tan थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। ये हमने dy बाय डी एक्स निकाला है, ठीक है ना, dy बाय डी एक्स हमने निकाल लिया, लेकिन मुझे निकालना क्या है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड। तो मैं क्या करूंगा, हम लिखेंगे नाउ डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड विल बी डी बाय डी एक्स ऑफ dy by dx, है ना। ये देखिए अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में यही प्रोसेस चल रहा है ना, प्रोसीजर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन में जो हमें एक्सप्रेशन दिए हैं वो चेंज हो रहे हैं, है ना। तो इजी है, d by dx लिखूंगा, ये जो dy by dx मैंने निकाला है उसको यहां पुट कर देते हैं। बात समझ में आ गई, tan का डेरिवेटिव, अब देखिए यहां पे मैंने वेरिएबल थीटा को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसीलिए मैंने जिसको डिफरेंशिएट किया है और जिसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट किया है वो लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए डी थीटा बाय डी एक्स, डी एक्स बाय डी थीटा ये है, तो डी थीटा बाय डी एक्स क्या होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल, है ना। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही लिख लेंगे, sec स्क्वायर्ड थीटा इंटू वन अपॉन थ्री ए विथ माइनस साइन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहां तो कोई डाउट है, अच्छा यहां पे एक गलती हो गई थी, देखिए डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये माइनस टैन थीटा हमें मिलना चाहिए था, क्यों, क्योंकि देखिए डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा तो ये है, डी एक्स बाई डी थीटा ये है, तो जब मैं दोनों का रेशो निकालूंगा एक माइनस साइन बच रहा है, तो यहां पे मैं माइनस साइन लिखना भूल गया था, वो आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है ना, तो वो माइनस साइन आ जाएगा। तो यहां पे बेसिकली हमने माइनस टैन थीटा को डिफरेंशिएट करना था, ये माइनस सेक स्क्वायर्ड थीटा आएगा, तो यहां पे भी एक माइनस साइन लगेगा। ठीक है, अब हम इसमें प्रोसीड करते हैं, तो वो एक माइनर सा करेक्शन कर लीजिए माइनस साइन का, अदर देन दैट ये ठीक है। तो ये माइनस साइन आ गया, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल, इस सेक को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा वन अपॉन थ्री ए साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो कि हो जाएगा वन अपॉन थ्री ए लिख लेते हैं, साइन थीटा लिख लेते हैं, और कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस फोर थीटा, ये हमें मिल गया। आप चाहे तो इसको वन अपॉन साइन यानी कि कोसेक एंड सेक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो मुझे सेकेंड डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है ना, सेकेंड डेरिवेटिव मिल गया, लेकिन मुझे क्या बोला था, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव एट पाई बाय सिक्स, ठीक है ना। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर्ड एट थीटा इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, वन अपॉन थ्री ए साइन पाई बाय सिक्स कॉस फोर्थ पावर पाई बाय सिक्स। ठीक है, अब मुझे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और देखना है मेरा रिजल्ट क्या आता है। तो ये हो गया वन अपॉन
3a साइन पाई बाय 6। अब देखिए पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है ना, साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 रूट 3/2 इसकी होल पावर 4, ये हमें दिया हुआ है। अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो यहां पे जो हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला था वहां तक तो ये नॉर्मल सेकेंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन था पैरामेट्रिक फॉर्म में जो आज हमने समझा। इसके आगे जो है ये हम सिर्फ वैल्यू डाल के इसका इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कितना मिलता है। तो अब देखिए रूट थ्री की पावर 4, देखिए रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री, नीचे आ जाएगा 2 2 2 एंड 2, रूट थ्री रूट थ्री 3 बन गया, रूट थ्री रूट थ्री 3 बन गया, 3 3 9, तो मुझे यहां पे 9 मिल गया। 2 नीचे हमें मिल गया 2 2 4 एंड 4 4 16। अब ये हमें मिल जाएगा 1/3 9 27, है ना, 3 into 1 into 9 27 a upon 16 2 32। अब देखिए 1/ एक फ्रैक्शन है, मुझे मालूम है 1/ अगर एक फ्रैक्शन हो तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं, तो ये बेसिकली मुझे क्या मिल गया 32/27a, ठीक है। देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव एट पाई बाय 6 विल बी 32/27a, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा जैसे बढ़ा दिया। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म में ही है, लेकिन अभी जैसे हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में पहले तो देखे बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद देखे उस बेसिक क्वेश्चन में कुछ प्रूव करने वाले, है ना, कुछ कंडीशन दी है ना, एक्स टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसे कुछ कोई एक्सप्रेशन दी है, हमें उसे प्रूव करना है। तो यहां पे भी पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हमें ऐसे सिचुएशन मिल सकते हैं, तो वो भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपको बोला है x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड b sin थीटा, y इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है, इफ x एंड y आर दीज टू थिंग, है ना, ये दो एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं, प्रूव दैट। y स्क्वायर d टू y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy वाई बाय डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू जीरो, ये एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, तो इस एक्सप्रेशन को हम एक काम करते हैं, पहले तो यहां पे लिख लेते हैं, मुझे बोला है वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब हमने जो मेथड समझे अभी तक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, उसमें यह समझा है कि जब भी हमें ऐसे एक्सप्रेशंस मिलते हैं तो हमने उसमें टेक्निक देखी है। एक टेक्निक जो बहुत सिंपल सा है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, सेकंड डेरिवेटिव निकालें, उसकी वैल्यू यहां पुट कर दें और सॉल्व करें, वो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ पीछे जो हमको क्वेश्चन मिलते थे उसमें सिर्फ वाई और एक्स होता था, अब पैरामेट्रिक फॉर्म में
वो टेक्निक हम लगा तो सकते हैं, बट अगर मैं एक्स वाई, देखिए ये ऑलरेडी इतने लंबे एक्सप्रेशंस हैं, और मैं अगर वाई की वैल्यू वहां डालूं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल के डालूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो ऐसे में अब देखिए ये एक एग्जांपल है मेरे पास, यहाँ पे कॉस और साइन मिल रहा है, कॉस और साइन मिल रहा है। तो जब भी एक्स और वाई हमें साइन और कॉस के फॉर्म में दिया हो, आप एक चीज हमेशा ट्राई कर लीजिए, है ना, उससे शायद बात बन जाए, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। इससे क्या होगा, ये जो थीटा है ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा ही, लेकिन जब भी साइन और कॉस हमें मिलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग या ऐसा कुछ करके हम देखें, इससे थीटा जो है एलिमिनेट हो जाता है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, थोड़ा सा ऐसे हम मॉडिफाई करके करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैंने स्क्वायर किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको मैंने स्क्वायर किया तो ये हो गया वाई स्क्वायर, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो मैं राइट हैंड साइड में भी क्या करूंगा, इसका होल स्क्वायर लिख लूंगा, ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा, ठीक है। अगर हम वैसे y की वैल्यू पुट करते dy बाय dx और d2y बाय dx स्क्वायर और x की वैल्यू पुट करके अगर इसको सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर आ जाता, बट हाँ लेंदी बहुत हो जाएगा, तो हम उसको शॉर्ट करने के लिए ये मेथड हम देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये डाली, सिमिलरली y की वैल्यू है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए a cos थीटा b sin थीटा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख लेंगे इस पूरे का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि टू a की जगह a cos थीटा एंड b sin थीटा b की जगह। ये मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन किया, अब मैं सेकेंड ब्रैकेट को भी एक्सपेंड करूंगा, बीच में प्लस का साइन, तो मैं प्लस लिखूंगा फर्दर a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो मैं लिख लूंगा माइनस टू a साइन थीटा एंड b कॉस थीटा, ठीक है, ये हमने कर लिया। तो यहां पे हमने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इसको मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, अच्छा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस रीअरेंज करते हैं टू, मैं पहले ए को लिख लेता हूं, टू को लिख लिया, ए को लिख लिया, बी को लिख लेता हूं, फिर साइन थीटा लिख लेता हूं, फिर कॉस थीटा लिख लेता हूं, लिखा जा सकता है, है ना, हम मल्टीप्लाई हो रहा है तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो हमने इसको प्रॉपर अरेंज करके लिख लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट दिस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विद अ प्लस साइन, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अगेन विद अ प्लस साइन, माइनस इसको भी रीअरेंज करते हैं टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, रीअरेंज करके लिख लिया, ये हो जाएगा टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। अब आगे देखिए, सबसे पहली चीज, ये 2ab ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन के साथ, ये 2ab ए बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के साथ आपस में
कैंसिल हो गए, तो हमारे पास इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा ए स्क्वायर वाला टर्म यहां है, मैं रीअरेंज करके लिखता हूं, तो इसके साथ मैं लिख लेता हूं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख लिया, नेक्स्ट टर्म मेरे पास आ गया बी स्क्वायर, तो मैं लिख लूंगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना यहां पे, और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर मुझे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर बचा, सिर्फ इन दो टर्म्स में। इसी तरीके से प्लस का साइन, यहां अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो यहां साइन स्क्वायर यहां कॉस स्क्वायर बच रहा है, मुझे मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो ए स्क्वायर इंटू वन लिखने की जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर इंटू वन, ठीक है। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे कितना मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हमने डिफ्रेंशिएट करने से पहले यहां पे ये सिंप्लीफिकेशन कर लिया, अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिखेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ ठीक है। तो यहां देखने वाली बात है, हमने एक पैरामेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करके उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेपरेट आउट कर दिया, ताकि वो जो पैरामीटर था थीटा, वो थीटा हट गया ऑल टुगेदर, है ना, ए और बी कांस्टेंट है, तो मेरा काम जो है बहुत इजीली हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, लेकिन y को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे एक फैक्टर लगेगा dy वाई बाई डी एक्स, इस 2x को हम वहां शिफ्ट करते हैं, तो ये 2x यहां से जब दूसरी साइड में शिफ्ट होगा तो वो माइनस 2x बन जाएगा, 2 यहां पे भी है 2 यहां पे भी है, आपस में कैंसल हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिल गया y dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, यानी कि dy वाई बाई डी एक्स यहां पे y मल्टीप्लाई में था उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मुझे dy वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया नेगेटिव x अपॉन y, ठीक है ना, dy वाई बाई डी एक्स मुझे कितना मिल गया नेगेटिव x अपॉन y, तो इस चीज को हम यहां पे लिख लेते हैं, अब मुझे क्या करना है सेकेंड डेरिवेटिव, तो देखिए ये लिख लेंगे dy बाई डी एक्स हमने कितना निकाला था, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, है ना, इस माइनस साइन को मैं सबसे पहले बाहर ले लेता हूं, हो जाएगा माइनस, ठीक है, डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि वन माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाई का डेरिवेटिव भी वन होगा, लेकिन क्योंकि वाई को डिफ्रेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, तो इंटू वन ये हटा दें और नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब dy वाई बाई डी एक्स ये समझ में आया, क्वेश्चन रूल लगाया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना,
therefore d2y by dx squared क्या हो जाएगा minus y minus x. अब देखिए dy by dx मुझे हटाना है, तो dy by dx क्या है minus x upon y. This whole thing divided by y square. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो देखिए सिर्फ वो स्क्वायरिंग एडिंग करने से हमारा काम बहुत आसान हो गया, अदरवाइज ये काफी लेंदी हो जाता. अब यहां पे हम एलसीएम लेते हैं y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये y नीचे आ जाएगा y क्यूब विथ अ माइनस साइन. ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया d2y टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. अब आगे देखिए, हम लिखेंगे नाउ, वही एक्सप्रेशन ले लेंगे ठीक है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिया है. अब मुझे रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करनी है. ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कितना निकाला था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब. ठीक है, ये सेकेंड डेरिवेटिव निकाला माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, हमने कितना निकाला, इस वाई को वाई रहने देते हैं. सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हमें ये जीरो मिलता है. सबसे पहले वाई स्क्वायर से वाई क्यूब कैंसिल, सिर्फ वाई बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई. माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई. यहां पे आ गया वाई. एलसीएम ले लेते हैं, वाई आ गया. अब देखिए ये तो माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर आ गया, वाई यहां पे एक्स स्क्वायर आ गया, और वाई इंटू वाई यहां पे वाई स्क्वायर आ गया. ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है. माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई. y स्क्वायर एंड y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर कैंसिल, ये मुझे 0 अपॉन y यानी कि 0 मिल गया, और यही मुझे प्रूव करना था. ठीक है, तो ये हमने देखा, क्लियर है ये.